दोस्तों महबूब अली कलोड़ो मैगजी चैनल से आपकी खिदमत में एक डॉक्टर हाजिर। आज हम आपको दिखाएंगे इधर मोहनजोदड़ो के करीब हम एक गांव में आए जहां पे एक दूध का भट्टा है और जहां पे खोया बनता है, राजा सलीम भट्टा जो है वो सिंधी में कच्चा मावा भी कहा जाता है, जो कि यहाँ से बन के बड़े बड़े शहरों में जाता है, बड़े बड़े जो है वो मिठाई की दुकान जो उस पर बिकता है, उससे सारी मिठाई बनती है। आज आए हम आपको दिखाएंगे वो किस प्रोसेस से गुजरता है, वो कैसे बनता है। आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं, हो सकता है उनको उर्दू ना आती हो क्योंकि यहाँ पे सिंधी बोली जाती है, तो पहले तो हम उनसे जो है वो सिंधी में बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसके ट्रांसलेट करके बताऊँगा। आ जाइए हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम। अगर तुम्हारे नालो छाए कहीं मुझे नालो असदुल्ला आया पुत्र थोड़ा ये असदुल्ला जी सही। अच्छा ए असा के खबर पई ता आए ते खोयो खायो था कच्चो माव जे के ता चो था जी सही। ओ असा का खा यो पुछन चाहि जान तो वो ता करे करे प्रोसेस का गुजारो था उनके अच्छा। आए वो किए ठंदो आ केतरे मन खीर उजल खपे केतरा मन जो को सो उन मा ता क्रीम ता कडो उन जी मा तो ता फेट ता कडो आ केतरा मन जो को सो उन में बठे में भी जी करे उन काढे करे ता उन में कच्चो माव माना खोयो था खाए ता थोरो असन बुझाई न होयो जी थे बुझाई गयो मतलब असन होयो आ सही तकरीबन 20 मण खीर हो दो असन 20 मण वो 5 मण असन सणक कडना है वो इने दे करे कडना है त जे हाने बुनारो ना भाई। अच्छा त इने में सणक घणो हुंदो ना त वो कराची तई वो जको आ मा वो घी बा निकरी पोंदो आ। अच्छा माना 20 मण खीर मा ता 5 मण क्रीम करला माना उन जो चर्बी कडला है चर्बी कडना है ठीक है जे करे कडना है जो उनारे में कडना है हाँ वो कराची तो ईद वो सड़क जो गर्मी थी जाहिर है तो एसी रूम कराए तो उनमें वो खोयो कल में पैक तो थे कल में खो वो पास के में को तो वही कराची में रात या तकरीबन 12 कलाक में यानी कि सांड खपे उन जो जगह उम्र बता था के उसे। अच्छा थोड़ा बहुत सांड घड़ा कदा उसे बाहर वही तो अच्छा अच्छा उन जे करे कदा। तो दोस्तों इस दोस्त का कहना है कि 20 मन अगर दूध होता है उसमें से 5 मन जो है ये क्रीम निकालते हैं, यानी कि उसकी फैट निकालते हैं, उसका दूध से अलग करते हैं और फिर उसको वो इसलिए करते हैं ताकि उसकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे से ये कराची जाता है, सारी सप्लाई कराची को जाती है और इसलिए कि घी ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा नहीं छोड़ते ताकि वो बहना ना शुरू हो जाए, इसलिए उसकी वो फैट पहले अलग करते हैं और फिर उसको भट्ठे में डालते हैं, उससे वो खोया बनता है जिसको सिंधी में कच्चा मावा भी कहा जाता है। अच्छा हाँ भी एक गाल बुझाओ तो हाँ हे तो अच्छा था कहो पाया हैं कदा होता ना इनके वर कदी खीर पर जो जी खीर इंदो इंदो वो गरम करना इंदा से अच्छा वाला ना फिटी नहीं तो हां उने गरम करे तो गोगन में रख सिंदा को तो हला इंदा इंदा से अच्छा पारिया ता खीर के गरम करना आयो उन का तो उन की चर्बी करे ना। अच्छा हां कदी से थदो या अच्छा थदो या हां ठीक जी इन कोई ते खीर आए रे हां इंदो इंदो ना इन में लाई ता इंदा तई में आ रे सामू ठीक है ना खापो हां। अच्छा तो इनका कहना है कि जैसे ही दूध आता है तो पहले हम उसको यहाँ से फेंट निकालते हैं, उसके बाद इसी दूध को वो भट्ठे में डाल देते हैं और भट्ठे की आखिर जो मराहल होते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है आ जाइए मेहरबानी बता रहे बिठा तो है ना बस आप तो कहो जी जी। अच्छा दोस्तों ये देखे वहाँ क्रीम निकलने के बाद दूध आ गया इधर भट्ठे पे, ठीक है ना। अब इसको ये बड़ी कढ़ाई है ये इसमें पकाते हैं इसको और ये हिलाते रहते हैं इसको। अभी आगे दोस्त है वो हम आपको दिखाते हैं कि वो इसको इस तरह से हिलाते रहते हैं ताकि ये दूध भट्ठे में जम न जाए और इसकी जो इसका वो अंदर जल न जाए, तो इसको इस तरह से मुसलसल करते रहते हैं और ये इसलिए करते रहते हैं ताकि ये दूध जो है इसके तले में लगने जाए और जल न जाए। ये जैसे ये दोस्त आए हैं और ये इसको करना शुरू कर देंगे। बाबा तो कड़े तरीके से करना है ये घुमाएगा। अच्छा ये छो घुमाएंगे
अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें घुमाते हैं कि उसको तले में ये जम न जाए और जल न जाए, ठीक है। और फिर आते हैं हम आपको दूसरे दोस्त से मिलाते हैं। आपका क्या नाम है? तुम नालो चाय मोहम्मद इलियास। अच्छा, तो आज घने टाइम का कम था कहो? 25 साल थे ये इनको यहाँ काम करते हैं, 25 साल हो गए। देखे यहाँ की जो सप्लाई है ये पूरे कराची को जाती है। इस तरह के बहुत सारे और लोकल बट्ठे हैं जिनसे ये दूध बनता है, खोया बनता है, और फिर ये कराची के बड़े बड़े जो वहाँ आप देखते हैं एयर कंडीशन में, ग्लासेस में जो मिठाइयाँ बिकती है, उनका जो रूट है, बेसिक रूट, वो यहाँ से आ जाएंगे। इधर देखें, ये दूसरा पट्टा लगा हुआ है। मैं बताने नालो शाह मोहम्मद असलम। अच्छा, तुम आज घर टाइम का कम था कहो? तहाँ के साल कम थी हुआ? इस भाई को यहाँ पे 1 साल जो है ना वो हुआ है। यहाँ पे धुआं बहुत है क्योंकि ये लकड़ी जलाते हैं इसके आगे, तो ये हमारे लिए तो यहाँ मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इस चीज़ से जरा यूज टू हो गए। अच्छा, यो खीर कायो था यो आखिर में मतलब तो वही दुर्ग थी अच्छा अच्छा, इसका कहना है कि हम इसको इतना पकाएंगे कि ये सूख के पूरा जो है ना वो मावा हो जाए, मीन्स खोया हो जाए, यानी ड्राई हो जाए, इसका पानी सारा निकल जाएगा और फिर ये खोए के सूरत में जो है वो एक थिक सा एक वो जैसे कर्ड होती है या योगर्ट होता है इस तरह का हो जाता है, और उसके बाद जो है ना ये उसको एक बड़े ट्रे में डाल देते हैं और वो वहाँ से फिर उसके जो है ना ये छोटी छोटी गठलियाँ या उसके पैकेट्स बना के ये कराची सप्लाई करते हैं। चले हम आपको वो दिखाते हैं। मेहरबानी दादा, अब देखें ये बिल्कुल बेसिक रूट है। आप देखें यहाँ पे ये मोटरसाइकिल है, एक साइड पे ये जो है वो रखते हैं ड्रम, दूसरी साइड पे ड्रम है, ये जो लोकल देहात है यहाँ पे उसमें जाते हैं, घर घर जाके दूध कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे आके ये सारी चीज़ बनती है। आ जाए फिर हम आपको अभी खोया दिखाते हैं कि आखिर में खोया कैसा होता है। अदा हाँ तुम असा यो बुझा तो ये जो को खीर है हाँ ये जो को खोयो हुआ जैके ता माव था चो यो आने बठे में तैयार छण का पो हुआ हाँ तैयार थी हुए। अच्छा, अब ये देखेंगे कि ये इसकी लास्ट प्रोसेस है, इसकी जो आखिरी मराहल है वो इसमें आ जाता है, और इसको सिंधी में तो मावा कहा जाता है और या कच्चो माव कहा जाता है, लेकिन ये कि ये एक्चुअली खोया है, और ये जो जिसको बोले कि राम मटेरियल आप खोया वो ये है, यहाँ से राम मटेरियल होके कराची जाता है और वहाँ से जो है ना उसको खोए से बाकी मिठाइयाँ बनती है। आप आए देखें कि ये किस तरह से, आप जरा क्लोजअप करके दिखाइए प्लीज। अच्छा, ये तवाई ना के चौथा बार बार घुमायो ठरन होने की गरमा जे किया ठरे मींस ये गर्म है अभी। हाँ, इसको आप इस तरह से घुमा रहे हैं कि ये ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। अभी आपने देखा कि यहाँ पे इतना कोई हाइजीनिक नहीं है माहौल, कोई इतनी ज्यादा हाइजीनिक नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें किसी को कोई हैज़र्ड नहीं करती, हेल्थ हैज़र्ड नहीं होता, और मैं इस चीज़ से खुद सरप्राइज हूँ कि ये कैसे होता है। और वही मिठाइयाँ जो वहाँ पे एयर कंडीशन में बिकती हैं, बड़े बड़े ग्लासेस के अंदर रख के इसको सजा के इसको जो है वो बड़े ब्यूटीफुल तरीके से पेश किया जाता है, बड़े बड़े डब्बों में पैक होकर आपको मिलते हैं जो है ना वो 2000 किलो, 3000 किलो और 1500 किलो कराची के अंदर वो यहाँ से जो है ना इस तरह से निकलता है इन सारे मक्खियों के झंझट में और इस तरह से निकलता है। यहाँ पे इस तरह का कोई भी निज़ाम नहीं है, ये अपने हद तक जो है ना कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर मक्खियाँ ना आए, लेकिन फिर भी मक्खियाँ आ जाती हैं, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई हार्म करती हैं, क्योंकि अगर हार्म करती तो आज तक बहुत सारे लोग बीमार होते, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है वहाँ कराची में आती हैं और यही बड़े बड़े दुकानदार बड़ी बड़ी कंपनियाँ मिठाइयाँ बना के वहाँ पर एयर कंडीशन में रख के बेचते हैं, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की। अच्छा, हिन मशीन के तहाँ छा चवंदा आहियो? क्रीम की मशीन चल रहा है, ये वो मशीन है जिससे ये क्रीम निकालते हैं दूध से, और ये देखें यहाँ पे ये जो है ना बकाया दूध आ रहा है और उसकी क्रीम यहाँ आ रही है, जिसको आप कहें कि भाई जो इसके दूध के अंदर फैट होती है, जो चर्बी होती है, वो एक तरफ जा रही है और बकाया दूध जो है वो दूसरे तरफ जा रहा है, और यही दूध फिर जाके भट्ठे में पकता है और उस पकने के बाद आके यहाँ पहुंचता है। तो उम्मीद ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमें अपने राय से आगाह करें। अल्लाह हम का और आपका सबका हामी और सानी रहे। अल्लाह हाफिज। अच्छा, हाँ पेड़ा था, अब खोया आपके सामने आ गया जो कि एक राम मटेरियल में
और जैसे हमने पहले आपको दिखाया पूरा, अब हम उनके ऑफिस में आ गए, ये इनकी छोटी सी शॉप भी है यहाँ पे, हम उसमें आ गए और ये हमारे लिए लेकर आए कि आप इसको देखें और चखें। तो ये इसका रॉ मटेरियल है खोए का, जिसको हम सिंधी में कच्चा मावा कहते हैं। तो चलो देखते हैं, चखते हैं कैसा है। वाह, मीठा नहीं है क्योंकि इसमें अभी उन्होंने शुगर नहीं डाली, क्योंकि वहाँ पे मिठाई में शुगर डाली जाती है और उसमें फिर जो है मीठा इसको किया जाता है। लेकिन इस वक्त ये खुद बता हुआ है, ये इतना अच्छा है, इसका टेस्ट जो है प्योर टेस्ट है और इसका आपको मीठा नहीं है और ये कोई खट्टा नहीं है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा लगे नमकीन की तरह आपको लगेगा, लेकिन है बहुत अच्छा, क्लासिकल है।